आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। औरंगाबाद से 16 दिसंबर को अपहरत 26 वर्षीय राजू रंजन के मामले का पुलिस ने न सिर्फ खुलासा कर लिया है बल्कि उसके शव को बरामद भी कर लिया है। एसडीपी अनूप कुमार ने बताया कि ऋषभ थाना क्षेत्र के सरसा गांव से अपहरण की सूचना मिली ही पुलिस हरकत में आ गई थी, मगर कोई भी सुराग नहीं मिलने की वजह से अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मगर जब वैज्ञानिक तरीके से मामले की तहकीकात शुरू की गई तब जाकर परत दर परत यह मामला खुलता चला गया। उन्होंने बतलाया कि अपहरत राजू के दोस्त भूपेश ने ही अपहरण की योजना बनाई थी। उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की गई तब उसने इस मामले में 6 अन्य लोगों का नाम लिया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहतास जिले के ताराचंडी के पास स्थित बुढ़वा पहाड़ से उनके शव को बरामद किया गया। उसको पकड़ा गया है। उसके बाद एक और है शत्रुघ्न पांडे है और एक सोनू सिंह है। इन तीनों को पकड़ा गया है। इन लोगों से पूछताछ की गई। इन लोगों के पूछताछ पे सारी बातें सामने आई और इन लोगों का हम लोगों ने कन्फेशन भी लिया है। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इनके द्वारा चिन्हित स्थान पर जा करके वहाँ पर डेड बॉडी भी उसका बरामद हुआ है। फिलहाल तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा करके हम लोगों ने परिजनों को दे दिया है। इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है और ये तीन अभी गिरफ्तार हैं। इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं और इसमें कई और लोगों का भी नाम सामने आया है। उन सभी की गिरफ्तारी होगी इसमें और इसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन कौन लोग इसमें